अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कोरिया में स्टडी के लिए आना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए आना चाहते हैं। तो ये मेरे साथ हैं अजहर भाई जो फैसलाबाद से हैं और मास्टर कर रहे हैं कोरिया में, और ये मेरे साथ दोस्त हैं नेपाल से और ये कर रहे हैं पी एच डी के स्टूडेंट हैं। तो इनसे मुलाकात हुई है मेरी, ये तो मेरे साथ फ्लैट में भी आए थे। तो लेकिन आज उन्होंने मुझे एक बात बताई है कि स्कॉलरशिप जो है वो आई है आज ही कोरिया में 1400 प्लस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इनसे पूछूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में ये सारा जो है ना आपको गाइड करेंगे। और किस जो लिंक इसका होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर भी सारा देख सकते हैं। आज हम आपको मोटा मोटा बताते हैं कि कैसे आपने करना है। तो सबसे पहले आप बताइए, जो आपने इनसे बाद में पूछिए, आप पहले बताइए कि क्या, हाँ जी, किधर से अप्लाई करना है और कैसे करना है, ये आप बताइए। तो पहली बात होता है कि मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ आपको। तो जो हाई कोरिया है, हाई कोरिया होता है, तो हाई कोरिया में आप मतलब गूगल में इसे टाइप कर सकते हैं। तो उसमें हाई कोरिया में जितने भी मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज है, तो आप मतलब कौन से फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। ऐसा है कि आपको कोई लॉगिन और पासवर्ड आपको खुद का, जैसे आप फेसबुक वगैरह में आईडी बनाते हैं, तो उस तरह बनाएंगे तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। एक दफा वो है। तो दूसरे तरीका है ब्रिक बायोजॉब। जो भी स्टूडेंट बायोमेडिकल मेडिकल रिलेटेड मास्टर पीएचडी करना चाहता है ना, तो उसमें आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जितने भी कोरिया में यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें आपको क्या होगा कि जॉब जैसा वैकेंसी क्रिएट होगा, जो वो गवर्नमेंट की मदद से लगता है, जो उन्होंने किया है। तो वो वेबसाइट में आप जाइए, तो पहले तो आप उसमें कोरियन लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप लैंग्वेज कन्वर्ट करके जो राइट स्क्रीन में होता है आपका, तो इसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कौन कौन सा प्रोफेसर कौन कौन यूनिवर्सिटी में किस तरह का स्टूडेंट ले रहा है, मतलब मास्टर स्टूडेंट ले रहा है, पीएचडी स्टूडेंट ले रहा है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी, जो बैचलर के बाद आप मतलब मास्टर पीएचडी इकट्ठे कर सकते हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड पीएचडी बोलते हैं, तो उस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या है कि उसमें आप बस ढूंढिए, मतलब आपका इंटरेस्ट कौन है, मतलब केमिस्ट्री में है, मतलब बायो में है, बायो में कौन सा में, इम्यूनोलॉजी में है, वगैरह वगैरह आप ढूंढ सकते हैं। तो एक है ये, दूसरी हो गई। तो तीसरी बात है, मतलब आप वहाँ से मतलब जो भी प्रोफेसर हो आपके फील्ड से रिलेटेड, उसको स्क्रीन आउट करिए, मतलब शॉर्ट आउट करिए। तो उसके बाद आपको मतलब प्रोफेसर को डायरेक्ट ईमेल कीजिए, उधर ईमेल मिलता है आपको, तो ईमेल कीजिए कि वो आप इंटरेस्टेड है वगैरह वगैरह इस तरह। तो इसके बाद, क्योंकि ये बात मैं थर्ड पॉइंट में क्यों कह रहा हूँ कि मैं जब आया था इधर 2019 में, तो मैं मास्टर की स्टूडेंट ग्रुप में आया था इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो आज यूनिवर्सिटी में। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने प्रोफेसर को खुद ईमेल किया, मैंने देखा ब्रिक बायोजॉब नेपाल में, तो ये थर्ड ऑप्शन है। तो मुझे अभी तक इतना ही पता है, तो इसके बाद और डिटेल में भाई साहब देंगे। हाँ अजहर भाई, जरा आप बताइए, आपने मुझे बताया कि स्कॉलरशिप आई है, तो उसका तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का? जो अभी मैं अपने मतलब पाकिस्तान में जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरिया ने अभी 1400 प्लस स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है। उसमें तरीकाकार ये है कि मास्टर और पीएचडी की सेपरेट भी है, और सिर्फ पीएचडी की सेपरेट भी है, और मास्टर प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड भी है। तो इन तीनों तरह की मतलब कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो इसमें मेन जो स्टूडेंट्स को सबको करना चाहिए वो ये चीज़ है कि आपको पहले अपने फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर को सर्च करना। अभी ये दो तरह की है, जीकेएस में गवर्नमेंट कोरिया स्कॉलरशिप में, तो इसमें मतलब काफ़ी बेनिफिट्स हैं। कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो इसको फंडिंग डायरेक्टली करती है, तो इसमें आपको वन टाइम एयर फेयर भी अवेलेबल होता है। तो इसमें डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मतलब हम आप भाई दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो मेन जो मैं आपको बताऊं कि आपने दो ट्रैक्स फॉलो करने हैं, एक तो एम्बेसी ट्रैक है, दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक है। एम्बेसी ट्रैक में ये है कि जो बहुत लाइक स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली एम्बेसी जो है पाकिस्तान में कोरिया की इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो उधर आप एम्बेसी की वेबसाइट पर देखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल आपको डिटेल मिल जाएंगी। अभी मतलब डेडलाइन अनाउंस नहीं की है, वो भी 2-3 वीक के अंदर वो कर देंगे। तो
उसमें ज़्यादातर ये है कि आपको IELTS रिक्वायर होता है, मैंडेटरी है हर सूरत में, वो अच्छे मतलब 5.5 प्लस पिछले साल तक था इसका, 2022 का भी मुझे नहीं आइडिया कि अपडेट किया या नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 6.5 से ऊपर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसमें फिर ये है कि आपका CGPA जो है वो 3.5 से प्लस होगा तो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे एम्बेसी ट्रैक पे। तो जो दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक आ जाता है उसमें लो CGPA भी है तो भी चल जाएगा कि अगर आप प्रोफेसर को कन्विंस कर लेते हैं। आपको एक बहुत अच्छा सा और प्रिसाइज सा ईमेल करना है, सबसे पहले तो आपको अपना फील्ड का प्रोफेसर जो है वो सर्च आउट करना है, उसके बाद आपको देखना है कि उसका कोई रिसेंट जो भी पब्लिकेशन होगा उस प्रोफेसर का वो आपने रीड आउट करना है। और जब आपने प्रोफेसर को ईमेल करना है तो उसमें आपने उनको ये बताना है ईमेल में कि जी मैंने आपका ये रिसेंट पब्लिकेशन जो है ये थोड़ा पढ़ा है तो इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा है तो मैं इस वजह से आपका लैब जो है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उससे फिर प्रोफेसर जो है उसको लगता है कि हाँ इसने मेरी कुछ जो है रिसर्च वर्क वो इसने रीड किया है, ये रियली इंटरेस्टेड है। आपने ब्लैंक ईमेल मतलब एक पाकिस्तान में अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक जनरल ईमेल फॉर्मेट बना देते हैं और वो हर एक प्रोफेसर को सेंड करना शुरू कर देते हैं, तो वो उस तरह के ईमेल प्रोफेसर ओपन भी नहीं करते हैं। आपने ईमेल वो करना है कि जिसमें आप जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस भी फील्ड में उस प्रोफेसर को ये उसका प्रोफाइल ओपन करें, उसकी रिसेंट पब्लिकेशन देखें, उनको अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ें, उनके की पॉइंट नोट करके वो अपने ईमेल में डालें कि जी मैंने आपका ये रिसेंट पब्लिकेशन देखा है और ये आपका जो रिसर्च वर्क है ये मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा है तो मैं इसमें अपना मास्टर या PhD कैरी करना चाह रहा हूँ आगे, तो फिर वो आपका ईमेल देखेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो बस ये तरीका है थोड़ा सा। तो इसमें जो पाकिस्तानी स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए वो राउंड अबाउट तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मिल जाते हैं, जो PhD के लिए उनको 2 लाख भी पाकिस्तानी मिल जाते हैं, तो स्टाइपेंड ठीक है, गुजारा इधर हो जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट भी ठीक है, थोड़ा ठंडा है। वो मार भाई की वीडियो से आपको पहले भी अंदाजा होगा। मैं यही तो बात आपसे ना पैसों की पूछना चाह रहा था, वो आपने बता दिया। अच्छा आप बताएं कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, यानी कि अब पैसे को बता ना, ये अच्छा बात नहीं है। नहीं बताओ ना, चलो जो बता रहा है चाहता है। हाँ मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि अक्सर कोरिया में जो भी मास्टर स्टूडेंट ग्रुप में आएंगे ना, तो उसको स्टाइपेंड के मामले में मतलब वो कोरियन वो 7 लाख से 8 लाख तक देते हैं। वो तकरीबन मतलब पाकिस्तानी और नेपाली इंडिया वगैरह में कैलकुलेशन करें तो यही 60-70 हज़ार नहीं, आपके तो 60-70 हमारे 1 लाख तकरीबन बन जाते हैं, 70 हज़ार 80 हज़ार ऐसा हो जाएगा। तो उसके अलावा जो PhD है उसको 1 से 1.2 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी हिसाब करें तो 2 लाख के राउंड अबाउट। तो ये मतलब अगर आप PhD स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ का मतलब आप रहेंगे तो रहना खाना थोड़ा सा महंगा है, आप अगर आप खुद के कंट्री से कंपेयर करें तो ठीक है। इसके अलावा मतलब आप अच्छी तरह जो बात करते हैं ना, अच्छी तरह बात करें, अच्छी तरह ये लैंग्वेज सीखे, तो अच्छी तरह ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करें तो प्रोफेसर खुश होकर आपको मतलब बोनस भी देता है। आपने तो बहुत पैसा जमा किया होगा। नहीं, इस तरह नहीं, सुना है इंसेंटिव्स के नाम पर हर बंदे को देते हैं, मतलब जो भी लैब में कोई भी लैब मतलब 1 वर्ष में तकरीबन 1-2 बार दे देते हैं। आपको मतलब करना है, छुट्टियां वगैरह आती है ना, जैसे 16 लोग गए वगैरह, उस पे फिर क्रिसमस पे वो बोनस वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह मतलब अच्छा ही है, मतलब एक यहाँ का पर्सनली मुझे कहो तो मतलब एक बात यहाँ का मतलब हायरार्की सिस्टम बहुत है, हायरार्की मतलब तुम इतना बड़ा तुम इतना छोटा, मतलब ये पहले आप पहली दफा मिलते हैं ना तो आप एज पूछते हैं तो आपका उम्र क्या है। हाँ हाँ वो तो कल्चर है इनका, कल्चर है। तो फिर भी मतलब आप मैं जब लैब में था तो मतलब लैब में हूँ अभी, मतलब पिछले लैब में और ये लैब में, तो जब जाता हूँ तो मतलब हायरार्की मतलब बहुत फील होता है। हायरार्की होता है पता है मुझे, नेपाल में होता है, पाकिस्तान में, इंडिया में होता है, मतलब बॉस उसके बाद सब कोऑर्डिनेट ये एम्प्लॉई वगैरह होता है, फिर भी मतलब यहाँ जरूरत से ज्यादा मुझे पर्सनली ये लगा। इसके लिए मतलब ये है
कि ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो भी आना चाहते हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि आपने घबराना नहीं है, इशू कोई नहीं है, वो इमरान खान वाली बात है कि आपने प्रिपेयर होके आना है। तो हायरार्की हर जगह भी होती है थोड़ी बहुत, अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप एडजस्ट कर जाते हैं कहीं पर। मतलब मैं पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब्स की हैं, 4 साल तक जॉब्स की हैं, और उस दौरान भी मैंने हायरार्की जो है वो देखी है। तो उसके बाद अगर मैं इधर भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में और इधर बस ठीक है, जितना उधर है उतना ही इधर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप एडजस्ट कर जाएंगे, जब आपकी असल में ये पढ़ाई मास्टर कम्प्लीट हो जाता है, फिर आपका वीजे का स्टेटस चेंज होता है, फिर तो आप वही 4-5 के करीब आ जाते हो, जैसे एक आम वर्क परमिट पे बंदा आके पैसे कमाता है आप भी कमा जाते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आप इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके बताइए, हम इसका दूसरा पार्ट बना देंगे। अभी आपने देखा होगा कि लोकेशन भी कोई ऐसी नहीं है, हमने बस बाई चांस मैंने सोचा उन्होंने बताया कि आज स्कॉलरशिप आई है, मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। बाकी जो आप पूछना चाहें वो आप कमेंट करिए, मैं दूसरा पार्ट भी इनके साथ बनाने की रिक्वेस्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, ठीक है जनाब, आप अपना फिर करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जनाब इंशाल्लाह 10 मिनट मिलेंगे दाता के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।